गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटीरिया मेडिकल सीरीज का लेक्चर नंबर टू जिसमें हम पढ़ेंगे एसेटिक एसिड सो लेट गेट स्टार्टेड एसेटिकम एसिडम जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं दिस रिक्स ड्रग प्रोड्यूस अ कंडीशन ऑफ प्रोफाउंड अनिमिया विथ ड्रॉपसी ग्रेट डेबिलिटी फ्रीक्वेंट फेंटिंग डिजनिया वीक हार्ट वामिटिंग प्रोफ्यूज मिक्सचरेशन एंड स्वीट स्वेट तो ये ड्रग क्या करेगा सबसे पहले हम बेसिकली जान लेते हैं कि क्या क्या होगा तो एसिटिक एसिड जब भी नाम आएगा तो हम एक वीकनेस याद रखेंगे वीकनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर क्या मिलेगा प्रोफाउंड प्रोफाउंडीमिया की कंडीशन मिलेगी मतलब बहुत ज़्यादा अनिमिया होगा अनिमिया हुआ हो तो क्या होगा वीकनेस बहुत ज़्यादा वीकनेस मिलेगी विद ड्रॉपसी ड्रॉप्सी मतलब एडिमा की कंडीशन ग्रेट डेबिलिटी फिर वही फ़िजिकल वीकनेस इतनी ज़्यादा वीकनेस है तो पेंटिंग भी होगी फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट डिजनिया रेस्परेटरी सिस्टम वीक है वीक हार्ट वामिटिंग प्रोफ्यूज मिक्सचुरेशन यूरिनरी सिस्टम भी वीक है एंड स्वेट और स्वेट आएगा फिर दूसरी चीज़ पहली चीज तो हो गई वीकनेस ड्रॉपसी विद ड्रॉपसी तो वीकनेस और ड्रॉपसी तो मिल ही रही है फिर दूसरी चीज क्या है हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट स्पेशली इंडिकेटेड इन पेल लीन पीपल विद लेक्स फ्लेवी मसल्स तो हेमरेज मिलेगा किसी भी पार्ट से मतलब कोई भी आउटलेट है वहाँ से ब्लड आएगा कहाँ से आ सकता है कैसे आउटलेट एन से आ सकता है थ्रोट से आ सकता है नोज से आ सकता है ईयर से आ सकता है किसी भी आउटलेट से ठीक है स्पेशली इंडिकेटेड इन पेल लीन पीपल विद लेग्स एंड फ्लैबी मसल्स अब कॉन्स्टिट्यूशन देखें अगर हम इसका तो कैसे लोग होंगे पेल अनिमिया है चेहरा पीला होगा पेल होगा लीन पीपल विद लेक्स फ्लैवी मसल्स पतले दुबले लोग होंगे मसल्स इनकी बहुत ज़्यादा फ्लेवियर और लैक्स है वेस्टिंग एंड डेबिलिटी वेस्टिंग एंड डेबिलिटी वही लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगी और वीकनेस होगी एसिटिक एसिड असेट हैज द तो पावर टू तो लिक्विफाई एल्वेमिनस एंड फाइब्रिनस फावर, डिपोजिट्स अब एसिडिक एसिड असेट करता गया है एसिटिक एसिड एल्विमिनस और फाइबर फाइबरिनस डिपॉजिट है जो उसको लिक्विफाई कर देता है मतलब कहाँ कहीं पे भी बहुत ज़्यादा फाइबर्स डिपोजिट है तो उसे लिक्विफाई कर देगा कोई कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन uh, इकट्ठा हो गया है एलवमिनस डिपोजिट है तो उसे लिक्विफाई करता है तो ये एसिटिक का एसिड का काम है एपिथिलियल कैंसर इंटरनली एंड लोकली अब क्या है फाइबर डिपॉजिट है मतलब कहीं पे भी ट्यूमर बन रहा है कहीं पे भी कैंसर बन रहा है तो उसे ठीक करेगा तो एपिथिलियल कैंसर इन्फेंडली एंड ओकली साइकोसिस विद नोड्यूलर फॉर्मेशन कहीं पे भी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है साइकोटिक कंडीशन है सो या फिर साइकोसिफिलिटिक कंडीशन में हम एसिडिक एसिड देते हैं ठीक है ये मान सकते हैं हार्ड कैंकर है तो उसे डिजोल्व कर देगा ये सब तो वन एक्स सोल्यूशन विथ सॉफ्ट एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ पस ठीक है तो इसका काम क्या है जो भी हार्ड चीज़ होगी उसे सॉफ्ट करेगा और पस का फॉर्मेशन कर देगा जिससे वो ठीक हो जाए अब इसका माइंड देखें तो माइंड क्या है इरिटेबल वर्ड अबाउट बिजनेस अफेयर मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेबल है अब इतना कमज़ोर है तो दिमाग पर जोर तो पड़ेगा ही तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं इरिटेबल होगा बिजनेस अफेयर्स के बारे में सोचता रहेगा कन्फ्यूजन ऑफ माइंड की स्टे, आ, स्टेट होगी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा परेशान हैड नर्वस हैडक वही है जब इतना ज़्यादा सोच so, तो रहा है तो सर में दर्द होगा नर्वस हेडेक फ्रॉम अब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स नारकोटिक्स के अब्यूज से हो रहा है तो भी हम एसिटिक एसिड के बारे में सोचेंगे ब्लड रसेज टू द हेड विद डिलेरियम अब इसका जो ब्लड है वो हेड तक जाएगा रस करके मतलब इसने कुछ लिया नार्कोटिक्स लिया या फिर किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ ब्लड रस होगा तो वो हेड तक जाएगा डिलीरियम के साथ टेम्पोरल वैसल डिस्टेंडेड वेसेस डिस्टेंड हो जाएंगी पेन अक्रॉस द रूट ऑफ टंग और रूट ऑफ टंग में पेन होगा ठीक है फेस कैसा था हमने ऊपर देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा था पेल था तो पेल लीन पीपल है तो फेस कैसा होगा पेल होगा वैक्सी इनिशिएटेड तो बला पतला सूखा सा आइज कैसी हैं आंखें अब जब कोई बहुत ज्यादा पतला है तो उसे इमेजिन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि चेहरे पर बिल्कुल खून नहीं झलक रहा है एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ है पेल वैक्सी इनिशिएटेड ठीक है फिर आंखें आंखें अब आंखों पे आओ तो आंखें गड्ढे में पहुंच गई आई संकन अब आंखों के चारों तरफ कमजोर है तो क्या होगा डार्क रिंग्स भी होंगे सराउंडेड बाई डार्क रिंग्स ब्राइट रेड आई हैं बट इसकी स्वेटी होगा बहुत ज़्यादा वसीना आएगा एपिथीलियोमा ऑफ लिप्स लिप्स में एपिथिलियोमा फॉर्मेशन हो जाएगा एपिथोलियलियोमा क्या है एक लीजन फॉर्म हो जाता है येल्लो कलर का या फिर फ्लैश कलर का मतलब एक लीजन बन गया हो ठीक है चीक हॉट और फ्लस्ड होंगे एक लेफ्ट टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट अब ब्लड रस हो रहा है तो चीक हॉट और फ्लस्ड होंगे लेकिन इसको ज़्यादातर जो पेन होगा वो कहाँ होगा लेफ्ट टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट में ठीक है फिर है स्टमक स्टमक देखते हैं सेलाइवेशन बहुत ज़्यादा सेलाइवेशन होगा फर्मेंटेशन इन द स्टमक स्टमक में फर्मेंटेशन होगा तो खट्टी डकारें आएंगी ये सब प्यास लगेगी तो क्या होगा इंटेंस बर्निंग थर्स्ट होगी मतलब इसका क्या है मेटाबॉलिज्म फास्ट है तभी तो ये पतला है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो उस हिसाब से सोचेंगे तो थर्स्ट ज़्यादा होगी कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रेस दिक्कत देगी वॉमिट्स आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फ़ूड कुछ भी खाएगा फर्मेंटेशन है तुरंत उल्टी हो जाएगी एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस जब इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं पेट में दिक्कत हो रही है तो एपिगैस्ट्रियम में क्या होगा टेंडरनेस मिलेगी सब रिलेट कर करके कर सोचेंगे बर्निंग पेन मिलेगा जैसे कि अल्सर ल्सर्स में मिलता है कैंसर ऑफ स्टमक स्टमक के कैंसर के बारे में दे सकते हैं मतलब सारी दिक्कतें इसको हम डाल देते हैं पेट में जब इतना ज़्यादा एसिड बनना है तो क्या क्या हो सकता है अल्सर हो सकती है अल्सर और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गई तो कैंसर हो सकती है ठीक है सॉर वेल्चिंग होगी वॉमिटिंग होगी वर्निंग वाटर ब्रेस होगी प्रोफ्यूसलाइजेशन होगा ये सब नॉर्मल है क्योंकि फर्मेंटेशन हो रहा है तो एक चीज़ हम एक वर्ड हम याद रखेंगे और उससे सारी चीज़ रिलेट करते जाएंगे हाइपर क्लोरहाइड्रिया एंड गेस्ट्रेल्जिया वही फर्मेंटेशन हो रहा है तो एसिड ज़्यादा बनेगा एस ज़्यादा बनेगा तो गेस्ट्रेल्जिया की कंडीशन आएगी वाटर ब्रेस बर्निंग होगी सलाइवेशन ज़्यादा होगा अल्सर होगा कैंसर होगा ये सब वॉयलेंट बर्निंग पेन इन द स्टमक एंड चेस्ट अब क्या है एस ज़्यादा हो रहा है तो एस ज्यादा बनेगा तो क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा उसका तो गले में आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो चेस्ट में तो है ही है वॉयेंट बर्निंग पेन उसके स्टमक में तो है ही है उसके साथ साथ चेस्ट में भी होगा फॉलोड बाय द कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड कोल्ड स्वेट और इस बाद में क्या होगा स्किन कोल्ड क्लैमी स्किन कोल्ड होगी और कोल्ड स्वेट होगा फॉर हेड पे स्टमक फील्स एज इफ कंज्यूम द लॉट ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड विनेगर तो यहाँ पे क्या है स्टमक में ऐसा लगेगा जैसे विनेगर पी लिया है बहुत ज़्यादा तो अभी तक हमने बेसिकली क्या क्या देखा कि सबसे पहले वीकनेस ड्रॉपसी की कंडीशन फाइब्रस डिपोजिट्स के लिए देते हैंमरेज होगा हरेक आउटलेट से फिर उसके बाद नर्वस होगा बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टमक की सारी कंप्लेन्ट्स आएंगी ये सब तो उसके साथ साथ ये बहुत ही इसकी स्किन और बॉडी कैसी होगी कोल्ड होगी ठीक है अब एबडेमन एबडेमन फील्स एज ऑफ द एबडेमन वॉज सिंकिंग ऐसा लगेगा कि एबडेमन सिंक कर रहा है फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल वर्स इन द मॉर्निंग टिम्पे टिम्पेनाइटिक एसाइटिस हेमरेज फ्रॉम बॉबल्स वही हमने पढ़ा था हेमरेज फ्रॉम एवरी आउटलेट एवरी आउटलेट तो बॉवल से भी ब्लड आएगा एसाइटिस की कंडीशन है फ्लूड वॉटरी स्टूल होंगे और जहाँ पर भी फ्लूड होगा हेप्टोमसिंक करेगा वाटरी स्टूल्स आएंगे ये सब कं ये सब सारी कंडीशन होंगी फिर यूरिनरी अब क्या है जब फ्लूड ज़्यादा है तो यूरिन भी ज़्यादा आएगी लेकिन कैसी होगी पेल क्योंकि अनिमिक है डायबिटीज़ विद ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी अगर इसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में इसको प्यास ज़्यादा लगेगी और डेबिलिटी वीकनेस होगी क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था बर्निंग थर्स्ट है इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर थर्स्ट भी है फिर उसके बाद फीमेल्स फीमेल्स में देखें तो एक्सेसिव कैटामेनिया बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा हेमरेज आफ्टर लेबर लेबर के बाद हेमरेज हेमरेज तो होनी है लेबर के बाद भी हैमरेज की कंडीशन आएगी नोजिया ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में नोज़िया की कंडीशन क्योंकि फर्मेंटेशन हो रहा है स्टमक में अब फीमेल्स की जो जो कंप्लेन है उसे हम नॉर्मल सिचुएशन में रिले रिलेट करेंगे कि नॉर्मली से ऐसा होता है तो फीमेल्स अगर प्रेगनेंट है तो उसको क्या हो सकता है जनरली इसको उल्टियाँ हो रही हैं प्रेगनेंट फीमेल में भी नोज़िया की दिक्कत होगी और हेमरेज हो रहा है इसको तो लेबर के बाद भी हैमरेज होगा और हर चीज़ में क्या हो रहा है एनलार्जमेंट हो रहा है नोड्यूल्स बन रहे थे ही. और फाइबरस डिपॉजिट हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा इसके जो ब्रेस्ट हैं ब्रेस्ट को सोचें तो एलार्ज हो जाएंगे पेनफुल होंगे मेस्टाइटिस की कंडीशन आ जाएगी हर जगह फ्लूड इकट्ठा हो रहा था तो यहाँ पर ब्लड डिस्टेंड हो जाएगा मिल्क एम्पावराइज डिस्टेंडेड विद मिल्क मिल्क मतलब लेकिन मिल्क का जो सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा ब्लूइश ट्रांसपेरेंट शॉर मिल्क होगा क्योंकि हर चीज़ खट्टी है ठीक है फर्मेंटेशन हो रहा है अनिमिया इन नर्सिंग मदर्स और अनिमिया जनरली भी मिल रहा था तो नर्सिंग मदर्स में तो और ही मिलेगा ठीक है रेस्परेटरी रेस्परेटरी में क्या है रेस्परेशन वीक है रेस्परेटरी सिस्टम वीक है तो हॉज हिजिंग रेस्परेशन होगा सांस लेने में दिक्कत होगी कफ़ होगा जब भी इनहेल करने की कोशिश करेगा कफ होने लग जा वीकनेस है मेम्ब्रेनस क्रूप अब रेस्पिरेशन में क्या क्या दिक्कत होगी क्रूप की कंडीशन होगी इरीटेशन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स अब इन्फेक्शन हो रहा है इसको और जगह स्टमक में भी हुआ था ब्रेस्ट में भी हुआ मास्टाइटिस अब यहाँ पर भी ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में क्या होगा इन्फ्लेमेशन मिलेगा फॉल्स मेमरीन मिलेगी थ्रोट में जैसे डिप्थीरिया बोलते हैं डिप्थीरिया की कंडीशन मिलेगी प्रोफ्यूज बोंकोरिया होगा मतलब बहुत ज़्यादा वॉशिंग म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा ब्रोंकस में ठीक है फाइब्रिनस एक्जेशन इन द थ्रॉट और थ्रॉट में फाइब्र फाइब्रीनस एक्जुडेशन होगा क्योंकि हर जगह हो रहा है फाइब्रस फाइब्रिनस एक्जेशन फिर उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी के बाद बैक में बैक में क्या है पेन इन बैक बैक में पेन होगा रिलीव ओनली वाई लाइंग ऑन एबडमन ये हम याद रखेंगे कि इसको जो बैक दर्द कहाँ हो रहा है बैक में लेकिन प्रेशर कहाँ चाहिए एबजमन में ये थोड़ा अलग है एक्सट्रीमिटीज में क्या है इमेशिएशन बहुत ज़्यादा वीकनेस हमने देखा है ड्रॉप्स की कंडीशन है प्रोफाउंड अनिमिया के साथ तो एडेमा तो मिलेगा ही फीट एंड लेग्स का फीवर हैप्टिक फीवर होगा मतलब चिल और स्वेट दोनों आएंगे विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स हाइप्रीमिक स्पॉट्स ऑन द लेफ्ट चीक लेफ्ट अब इसकी जो जनरली इफेक्ट हो रही है वो लेफ्ट साइड हो रही है तो हमने पढ़ा था कि इसको टेम्पोर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में लेफ्ट की तरफ दर्द हो रहा था टेम्पोर लेकिन तेम्प लेफ्ट टेम्पोरो मैंडुलर जॉइंट तो यहाँ पर भी क्या है कि इसकी जो कंडीशन है वो लेफ्ट साइडेड है तो इसको हाइपरीमिक स्पॉट्स मतलब हाइपरीमिक uh, क्या है मतलब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड का इकट्टो ब्लड का इकट्ठा होना तो ब्रूजेस टाइप के बन जाएंगे ब्लड बाहर आ जाएगा कहाँ लेफ्ट चीक पे नो थर्स ड्यूरिंग फीवर फीवर में कोई प्यास नहीं है वैसे बहुत प्यास है तो ऐसा होगा ठीक है एबूशंस मिलेंगे स्विट परफ्यूज एंड कोल्ड इब्यूलेशंस क्या होता है सडन आउटबर्स्ट हो गया मतलब एक तरह से रेसेस हो गए या फिर कुछ भी सडन आउटबर्स्ट किसी किसी भी चीज़ का ठीक है फिर उसके बाद हम देखेंगे स्किन स्किन में क्या होगा पेल वैक्सी इडिमेटस स्किन होगी बर्निंग ड्राई हॉट स्किन और बाथ इन प्रोफ्यूज स्वेट ठीक है बर्निंग बर्निंग ड्राई और हॉट स्किन है लेकिन ठंडा कहाँ था ठंडा हमें मिला था स्टमक की जो कंप्लेन थी वहाँ पर स्किन ठंडी थी और फौरन ठंडा था लेकिन जनरली कैसी होगी बर्निंग ड्राई हॉट तभी तो इससे बहुत ज़्यादा थर्स्ट लग रही है हर तरह से जल रहा है ये अंदर एसिड बन रहा है अंदर जल रहा है बाहर भी जल रहा है डिक्रीज सेंसेशन ऑन द बॉडी सरफेस बॉडी सरफेस पर सेंसेशन कम हो जाएंगे यूजफुल आफ्टर स्टिंग्स बाइट्स एट मतलब स्टिंग बाइट्स किसी इंसेक्ट बाइट या फिर किसी भी स्टिंग किसी भी स्टिंग या बाइट के बाद यूज कर सकते हैं वेरिकोस स्वेलिंग में यूज़ करेंगे स्कर भी एन एस आर का स्कर भी अब वही के ब्लड आ रहा है स्कर्बी की कंडीशन है दे दो एन एस आर का ड्रॉप सी फिर से वही ठीक है ब्रूजेस स्प्रेन्स ठीक है अब रिलेशनशिप दिया है एसिटिक एसिड इज एंटीडोटल टू ऑल एनेस्थेटिक वेपर जितने भी एनेस्थेटिक हैं उनको एंटीडोट करना है तो एसिडिक एसिड पकड़ा दो काउंट्रैक्ट सॉसेज पॉइजनिंग सॉसेस पॉइनिंग केस में भी दे सकते हैं ठीक है सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग